अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। लक्ष्य लिया है कि हम अपने बिहार को आरोग्य मुक्त बनाएंगे, कोरोना से हम मुक्त बनाएंगे। पूरे बिहार के अंदर मिशन आरोग्य रक्षक इस नाम से अभियान शुरू किया है। 10,000 गांव, मोहल्ले और बस्तियों में जाने का हमने टारगेट लिया था। एक दिन में हमने 4,32,384 लोगों का स्क्रीनिंग किया। 90,000 घरों तक हम पहुंचे और एक लगभग 9,000 गांव तक हमने अप्रोच किया। आज भी हमारी लगभग 500 के लगभग टोलियां पूरे बिहार में हैं। हम लोग जब गांव में जाते थे, वहां पे लोगों का जो अंदर उत्साह था, उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास कोई हमारी रक्षा के लिए आ सकता है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको इतनी खुशी हो रही थी। इस वक्त हम किसी अस्पताल या मेडिकल टीम के साथ नहीं हैं। पीपी किट में तैयार तमाम लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और मिशन आरोग्य रक्षक एक इनका कार्यक्रम है, जिसके तहत उन गाँव में जा रहे हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ कम हैं। और हमारे साथ संगठन के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे क्या है यह जो लोग पीपी किट में प्रॉपर मेडिकल कर्मी लग रहे हैं आपके। नमस्कार, ये सभी लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं। ये सब लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि हम अपने बिहार को आरोग्य मुक्त बनाएंगे, कोरोना से हम मुक्त बनाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार ने 1 जून से 7 जून तक पूरे बिहार के अंदर मिशन आरोग्य रक्षक इस नाम से अभियान शुरू किया है। 10,000 गांव, मोहल्ले और बस्तियों में जाने का हमने टारगेट लिया था। प्रतिदिन की यदि बात करें तो कितनी टोली आपकी निकलती है? प्रतिदिन हमारी अलग अलग टोलियां हैं। पहले दिन हमारे 300 टोलियां निकली थी, लेकिन 5 जून आते आते 978 टोलियां निकली। और एक दिन में हमने 4,32,384 लोगों का स्क्रीनिंग किया। 90,000 घरों तक हम पहुँचे और एक लगभग 9,000 गाँव तक हमने अप्रोच किया। आज भी हमारी लगभग 500 के लगभग टोलियां पूरे बिहार में हैं। तो ऐसे हर दिन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मंत्री श्रीनिवास है, आप बताइए गांव में जाते थे लोगों का रिएक्शन क्या रहता था, किस तरह से, क्योंकि आप लोग तो मेडिकल कर्मी नहीं हैं। जी, हम लोग जब गांव में जाते थे, वहां पे लोगों का जो अंदर उत्साह था, उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास कोई हमारी रक्षा के लिए आ सकता है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको इतनी खुशी हो रही थी कि केवल हम लोगों के लिए हमारे घर तक कार्यकर्ता पहुँचाए हैं। और जब हम लोग एक का स्क्रीनिंग करते थे, वो एक व्यक्ति अपने घर से 10 व्यक्ति को बाहर निकाल के लाता था कि दीदी केवल मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का करिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद भी देते थे। आप बताइए, आप लोग जब गांव में जाते थे तो कैसा अनुभव होता था, क्योंकि तो काफ़ी रिक्सी था अपने साथ छोड़ दे रहे वैसे में जाना कोरोना के बीच। तो हम लोग तो जाते थे वहाँ पे, लोगों को बताते थे पहले कि हम क्यों आए हैं, और फिर उनके बाद वो खुद अपने आप ही बोलते थे कि नहीं हमारा कीजिए हमारा कीजिए। तो हम लोग वहाँ पे पहले लोगों को एकदम लाइन में खड़ा करके हम लोग खुद देखे हैं क्या क्या लोग, जैसे कि एकदम एक्साइटेड होके खुद आके करवाएं। सबसे पहले बताया कि ये लोग जाते थे जब इनकी टीम, तो ग्रामीणों को कोरोना के बारे में समझाते थे और वर्ण करते थे कि इससे घबराना नहीं है, कैसे इससे निपटना है। और इसके बाद दूसरी टीम जो थी उनकी ये सैनिटाइजर वगैरह सबसे पहले उनके हाथों में लगाती थी। इसके बाद तीसरा जो व्यक्ति था वह थर्मल स्कैनिंग करता था, यानी प्रॉपर वे में एक स्वास्थ्य कर्मी की टोली की तरह इन लोगों की काम करती थी। थर्मल स्कैनिंग होती थी, उनका ऑक्सीमीटर से नापा जाता था, और इसमें यदि कोई गड़बड़ मिला, यानी जो प्रीत मिले, पॉजिटिव मिले, तो उसके लिए क्या कैसे व्यवस्था। हम काफ़ी सारी बातचीत करते थे, परिवार में कितने सदस्य है, वैक्सीन हुआ कि नहीं हुआ, टेम्परेचर है, तो उसके बाद हम उसको हमारे पास आरोग्य जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है उसका 64 जो मेडिसिन है वो भी हम अपने साथ रखते हैं। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमको पैरासीटामोल और विटामिन सी की टेबलेट्स दी थी। जैसा जिसका सिम्टम्स है उसको हम उस प्रकार से मेडिसिन और प्रिकॉशन बताते थे। ऐसा हमारे पूरे अभियान में ऐसा कोई बहुत सीरियस केस हमारे पास नहीं आया, लेकिन एक लगभग 200 के लगभग कोरोना पॉजिटिव लोग मिले जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया है और अभी वो स्वस्थ हैं। और उनको भी हमने आयुष डिपार्टमेंट का जो 64 मेडिसिन है वो हमने दिया है। तो वाकई कोरोना के सेकेंड वेव में मिशन आरोग्य रक्षक जो एबीपी के द्वारा चलाया जा रहा था, इस काबिले तारीफ है। इनकी 1,000 टोली पूरे बिहार में घूमती थी और एक सप्ताह का कार्यक्रम था 1 जून से 7 जून तक, और लाखों लोगों का स्क्रीनिंग किया गया और उन्हें ज़रूरतमंद दवाएं भी दी गई। इसकी बिहार तक भी तारीफ करती है और ऐसे कई एक लोगों को भी आगे आने का प्रेरणा देती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।